दोस्तों, हाल ही में पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 की सफलता के चर्चे हैं, जहां पहली बार चांद के साउथ पोल पर हमारे इंडिया का प्रज्ञान रोवर लैंड हुआ है, जो अपने साथ विक्रम लैंडर को साथ ले गया है। क्योंकि चंद्रयान 1 की बदौलत ही हमें ये पता लग पाया है कि चांद के साउथ पोल पर पानी के अंश मौजूद हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे इसरो के दो और मिशन थे, जिनकी बदौलत ही आज चंद्रयान 3 पूरी तरह सफल रहा है। इसलिए आज हम एक बार शुरू से इसरो के तीनों मिशन चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए वीडियो को। चंद्रयान, इस शब्द का मतलब होता है मून व्हीकल, यानी चांद का वाहन। चंद्रयान 1 इंडिया का सबसे पहला ल्यूनर स्पेसक्राफ्ट था, जो अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। यह एक ऑर्बिटर मिशन था जो करीब एक साल तक काम करता रहा था और अपने साथ MIP यानी मून इंपैक्ट प्रोब को अपने साथ ले गया था, जिसे बाद में मिशन के दौरान चांद के साउथ पोल पर क्रैश करवा दिया गया था। और इसरो को अनजाने में इस क्रैश के थ्रू ये पता लगा कि चांद की सतह के नीचे जमे हुए पानी के अंश मौजूद है। जब ये न्यूज कंफर्म हुई तो पूरी दुनिया में ये न्यूज आग की तरह फैल गई और सभी दुनिया भर की कंट्रीज चांद पर जाने की होड़ में लग गए। पर इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद अगस्त 2009 में इसरो का कम्युनिकेशन ऑर्बिटर से पूरी तरह टूट गया था, लेकिन ऑर्बिटर बिना कम्युनिकेशन के बाद भी चांद को ऑर्बिट करता रहा था, जिसे 2016 में नासा के ग्राउंड बेस रेडार सिस्टम के जरिए खोजा गया था। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो ने 10 साल बाद एक बार फिर से चांद पर भेजने के लिए चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया, जिसमें पहली बार ऑर्बिटर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को साथ भेजा गया था। इस मिशन का मकसद खास चांद के साउथ पोल रीजन में लैंड करवाना था। इसमें लैंडर के द्वारा ये पता करना था कि चांद की सतह के नीचे जमा हुआ पानी मौजूद है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान केवल 750 मीटर की ऊंचाई के बाद सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हमारा लैंडर से पूरी तरह कम्युनिकेशन टूट गया था, जिस कारण वह बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया था और यह मिशन एक फेल्ड साबित हुआ था। लेकिन इसरो ने इस असफलता से हार नहीं मानी और फिर से चांद पर जाने की तैयारी में लग गए। और फिर 14 जुलाई 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर को साथ नहीं भेजा गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद को ऑर्बिट कर रहा है और वह सही सलामत काम भी कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 में केवल प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो चांद को ऑर्बिट करेगा, और साथ में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर भी थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती थी सॉफ्ट लैंडिंग की, पर इसरो इस बार पूरी तरह तैयार थे और सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब भी रहे थे। इस सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो पूरी दुनिया में पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनी जो चांद के साउथ पोल पर लैंड कर पाई है। पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 की सफलता को सेलिब्रेट भी किया गया और इंडिया में तो बहुत ही अनोखे वे में चंद्रयान 3 की सफलता को सेलिब्रेट किया गया। पर दोस्तों, ये तो एक पड़ाव था जो चंद्रयान 3 ने पार किया था, लेकिन असली जंग तो होनी अभी बाकी है, क्योंकि अब विक्रम लैंडर को अगले 15 दिनों तक बिना रोशनी और जमा देने वाली ठंड का सामना करना होगा। क्या वह ये पड़ाव पूरा पार कर पाएगा, जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।